जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी, और आज के लेक्चर में हम इस फार्माकोलॉजी की टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम इस बारे में बात करेंगे कि ड्रग क्या होती है, ड्रग की जो टर्म है वो किस हवाले से यूज होती है, और हमारे पास ड्रग्स की टाइप्स कितनी है, उन टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस टर्म फार्माकोलॉजी की। देखिए, आई होप कि ये टर्म आप लोगों के लिए नई नहीं है, आप क्लास 10th के एंड तक पहुंच चुके हैं। क्लास 9th को जब कभी आपने शुरू किया होगा तो बायोलॉजी की ब्रांचेज में एक ब्रांच आपने फार्माकोलॉजी भी पढ़ी होगी। सो बेसिकली ये फार्माकोलॉजी वही बायोलॉजी की ब्रांच है जो आप वहां पे पढ़ के आए। अब फार्माकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, या कौन कौन से एरियाज हैं जिनको हम जो है टच करने की कोशिश करते हैं, स्टडी करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। भाई, फार्माकोलॉजी जो है इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ये बेसिकली ना ड्रग्स की स्टडी है, ड्रग्स की कॉम्पोजिशन की, उनकी सिंथेसिस की, कि एक ड्रग जो है वो उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, उसको बनाना है तो वो कैसे बनेगी, एंड देयर यूज इन मेडिकल फील्ड, और मेडिकल फील्ड में आप किसी ड्रग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, किस पर्पज के लिए करेंगे, कौन कौन से पर्पजेस के लिए, किन किन बीमारियों में एक खास ड्रग, एक खास मेडिसिन जो है वो यूज हो सकती है, उसको मेरा बच्चा, हम इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस को फार्माकोलॉजी कहते हैं। सो बुनियादी तौर पे फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम ड्रग्स के करेक्टर्स, उनकी सिंथेसिस, उनके फंक्शन, इन इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इन सारी चीजों की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। इसी हवाले से आपने एक और टर्म भी सुनी होगी, एंड दैट टर्म इज ऑफ फार्मेसी। अब ये जो फार्मेसी की टर्म है, आप में से बहुत सारे बच्चे में भी ये सोच रहे हो कि फार्मेसी और फार्माकोलॉजी में भी सेम चीजें हैं। भाई, इन दोनों, ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी। आपने याद रखना है कि जो फार्माकोलॉजी है ना, दिस इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है, ये बायोलॉजी का एक डिसिप्लिन है। ऑन द अदर हैंड, ये जो फार्मेसी है, फार्मेसी की टर्म बेटा हम बायो में यूज करते हैं एज अ प्रोफेशन, यानी फार्मेसी जो है ये बेसिकली एक पेशे का नाम। तो अगर आप ये पढ़ रहे हैं कि मेडिसिन बनती कैसे है, तैयार कैसे होती, तो आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं। और अगर आप मेडिसिन के शोबे से वाबस्ता है तो आप कहेंगे, आप ड्रग्स के शोबे से वाबस्ता हैं तो आप कहेंगे कि जी मैं फार्मेसी के शोबे से वाबस्ता हूं। तो फार्मेसी इज बेसिकली अ प्रोफेशन एंड फार्माकोलॉजी इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब आगे चलते हैं और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं बेटा, दैट इज ड्रग। देखिए, हमने कहा जी फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स, तो आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि सर ये ड्रग क्या होती है, हम ड्रग को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस ड्रग है और ये सब्सटेंस ड्रग नहीं है। तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। भाई, ड्रग की जो टर्म है वो यूज होती है ऐसी सब्सटेंसेस के लिए, एनी सब्सटेंस विच व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन ह्यूमन बॉडी। भाई, कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसको हम ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अल्टर्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। मेरा बच्चा, कोई भी ऐसी चीज जिसको अगर हम बॉडी में इंटेक करें और उसकी वजह से हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग चेंज हो जाए, उसको हम जनाब ड्रग कहेंगे। मिसाल के तौर पर, जैसे आप को जब सरदर्द होता है तो आप डिस्प्रिन की गोली ले लेते हैं और आपका सरदर्द ठीक हो जाता है। तो बेसिकली डिस्प्रिन की गोली इज अ ड्रग जो आपने ली और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो दर्द हो रहा था खत्म हो गया, बॉडी की फंक्शनिंग चेंज हो गई ना। तो कोई भी ऐसी सब्सटेंस बेटा जिसको अगर आप इंटेक करें और उसकी वजह से आपकी बॉडी पे कोई इंपैक्ट पड़ता है, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग जो है, आपका बॉडी फंक्शन चेंज हो जाता है, अल्टर हो जाता है, उसको हम ड्रग कहते हैं। अब ये जो ड्रग की टर्म है ना, ये बड़ी वाइड है, बहुत बड़ी टर्म है, और बहुत सारी सब्सटेंसेस ऐसी हैं जो ड्रग की कैटेगरी में आती हैं। हमने ड्रग्स को दो मेन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, और वो उन दो कैटेगरीज में से एक कैटेगरी है मेडिसिनल ड्रग्स, और दूसरी कैटेगरी है बेटा एडिक्टिव ड्रग्स।
सो जितनी भी दुनिया जहान में ड्रग्स है बेटा, वो या तो मेडिसिनल ड्रग्स होंगी या फिर वो एडिक्टिव ड्रग्स होगी, आपने ये याद रखना है। अब सवाल ये है कि एडिक्टिव ड्रग्स और मेडिसिनल ड्रग्स में क्या फर्क है? ध्यान दीजिएगा जी, मेडिसिनल ड्रग को ना हम फार्मास्यूटिकल ड्रग भी कहते हैं, ये भी याद रख लीजिए, ये इसका दूसरा नाम है। यानी ऐसी ड्रग जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, मेडिसिनल ड्रग हम उसको कहेंगे। ध्यान दीजिए, अब मेडिसिनल ड्रग मेरा बच्चा एक कोई भी ऐसी सब्सटेंस होती है जो किसी बीमारी के हवाले से इस्तेमाल हो। सो एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड, जिसको हम यूज करते हैं इन डायग्नोसिस, किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस में, क्योर में, उसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट में, या प्रिवेंशन में, फॉर अ डिजीज, तो उसको मेरा बच्चा हम मेडिसिनल ड्रग या फार्मास्यूटिकल ड्रग कहेंगे। और भाई कोई भी ऐसी चीज जो आप किसी बीमारी के डायग्नोसिस के लिए, उसके इलाज के लिए या उससे बचने के लिए यूज कर रहे हैं ना, वो मेडिसिनल ड्रग, दैट्स इट। ठीक हो गया जी। मिसाल के तौर पे वैक्सीन, वैक्सीन आपको वायरसेस से बचाती है, मेडिसिनल ड्रग्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम एडिक्टिव ड्रग्स की बात करें तो इनका केस थोड़ा मुख्तलिफ है। भाई ये ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान को एडिक्ट बना देती, इनके नाम में इनका मीनिंग छुपा हुआ है। द सब्सटेंसेस दैट कैन मेक अ पर्सन एडिक्ट आर कॉल्ड एडिक्टिव ड्रग्स। एनी सब्सटेंस दैट कैन मेक अ पर्सन एडिक्ट, कोई भी ऐसे सब्सटेंस बेटा जो किसी भी बंदे को, ह्यूमन बीइंग को एडिक्ट बना दे, अपना आदी बना दे, उसको हम एडिक्टिव ड्रग कहते हैं। उर्दू में इनको नशा आवर अद्वियात कहते हैं। यानी ऐसी ड्रग, ऐसी जो है मेडिसिन, ऐसी चीजें जो लोगों को अपना आदी बना दे, लोगों को अपना एडिक्ट बना दे, उनको एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। इनका नुकसान ये होता है एडिक्टिव ड्रग्स का कि एक बार जब इंसान को इनकी आदत हो जाती है और फिर वो इन सब्सटेंसेस को इंटेक नहीं करता, तो फिर वो अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता, अपनी रूटीन की जिंदगी नॉर्मली नहीं गुजार सकता। आपने बहुत सारी एडिक्टिव मेडिसिन्स का, एडिक्टिव ड्रग्स का जिक्र पढ़ा होगा, हमने लेटर इन द चैप्टर उनको जाके डिटेल में भी पढ़ना है। मिसाल के तौर पे इफ्यून है, मिसाल के तौर पे मैरिजुआना है जिसको हम उर्दू में चर्च बोलते हैं, और बहुत सारी हैं जिनके बारे में हम लेटर ऑन इन द लेक्चर बात करेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आपको मेडिसिनल ड्रग्स का इंट्रोडक्शन दिया, ड्रग के बारे में बताया, और ड्रग की दो टाइप्स को हमने आज डिस्कस किया है। आई होप यू पीपल गेट इट। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप उर्दू के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह।